Hey guys, welcome back to our channel Safal Future. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पर्टिकुलर सीरीज में मैं आपके लिए लेके आया हूँ डाई फील्डिंग का वीडियो, जिसमें मैं ये पूरे सीरीज में आपको ये बताऊंगा कि आप डाइव फील्डिंग या फिर डाइव कैचेस को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। आप अपना डाइविंग कैचेस इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। आई विल एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। डाइव कैचेस के पहले आता है फील्डिंग। तो फील्डिंग में विल डिस्कस कि डाइव करके कैसे फील्ड करा जा सकता है, कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। तो देखिए, फील्डिंग आता है कमिटमेंट से। अगर आप कमिटमेंट दे सकते हैं फील्ड में तो यू विल बी अ ग्रेट फील्डर। अगर आपका ध्यान, फोकस, इन्वॉल्वमेंट जो है अगर गेम में रहेगा तो यू विल बी 110% बेटर फील्डर देन एनीबॉडी एल्स आउट देयर। तो कमिटमेंट इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप कमिटेड रहते हैं टुवर्ड्स योर टीम या फिर टुवर्ड्स फील्डिंग द बॉल, आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है गेम में। और क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है गेम में, तब यू आर इन अ पोजीशन कि आप कुछ भी कर सकते हैं बॉल को पकड़ने के लिए, बॉल को कैच करने के लिए या बॉल को रोकने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन्वॉल्वमेंट रहना हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। तो व्हेन वी हैव टिक्ड आवर फर्स्ट बॉक्स ऑफ कमिटमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट, देन वी मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेप, जहाँ पे बात आता है बॉल को रोकने का। तो बिफोर यू अप्रोच कि कैसे डाइव पकड़ा जाए, कैसे डाइव करके फील्डिंग किया जाए, उससे पहले आप सीखिए कि कैसे आप बॉल को अच्छे से रोक पाते हैं नॉर्मली। जब आप नॉर्मली बॉल को रोक पाते हैं, बॉल को कैच पकड़ पाते हैं, तभी आप यू कैन अटेम्प्ट ऑल दीज डाइव कैचेस या फिर डाइव फील्डिंग। मैंने फील्डिंग और कैचेस पे दो वीडियो बनाया है, मैं आई बटन पे वो लिंक डाल दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए। तीसरा चीज में आप ये याद रखिए कि जब भी आपको कैच का अपॉर्चुनिटी मिले तो आप ये मत सोचिए कि जाने दो एक बाउंस पे मैं पकड़ लूंगा। नो, गो फॉर इट। मतलब अगर कैच आया है तो गो फॉर अ कैच। कभी कभी ऐसा होता है कि हाफ हार्टेडली हम लोग कैच के लिए जाते हैं और कैच छूट जाता है। इसीलिए व्हेनेवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे कैच होने वाला है, गो फॉर इट, टेक दैट कैच। डू नॉट अटेम्प्ट फॉर अ फील्ड, गो फॉर अ कैच, अटेम्प्ट फॉर अ गुड कैच। अगर आप थोड़ा सा भी डिफेंसिव मोड में रह गए हैं कि चलो एक बाउंस में पकड़ लूंगा, तो वहाँ पे आपका एफर्ट नहीं दिखेगा। तो बिफोर वी स्ट्रेट अवे स्टार्ट टीचिंग यू कि आप फुल लेंथ डाइव कैसे लगाएंगे, लेट अस गिव यू समथिंग विच इज ईजियर, दैट इज काइंड ऑफ इजिली अप्रोचेबल। और वो पर्टिकुलर चीज़ है रोलिंग। इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपको फुल लेंथ डाइव मारने आता है कि नहीं, रोलिंग ऐसा चीज़ है कि एफर्टलेसली आपका बॉल आराम से पकड़ा जाता है। मैंने इसको पांच सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। पहला सेगमेंट है रोल करना। पहले आपको सीखना पड़ेगा कि आप ग्राउंड पे रोल कैसे कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपको शरीर को गिराने नहीं आता है ज़मीन पे तो बहुत बहुत मुश्किल होगा आपको बॉल को पकड़ना। पहले ड्रिल में आपको फ्रंट रोल करना है, जहाँ पे आप कोशिश करेंगे कि आप अपने हेड पे लैंड नहीं कर रहे हो, और ये रोल करना है आपको ग्राउंड पे लगभग 10-15 टाइम्स, नॉट मोर देन दैट। अगर आपको चक्कर आता है, अगर आपको अगर आप रोल करते हैं और आपको चक्कर आता है, जो कि मेरे को भी हुआ करता था, तो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है जब आप रोल करते हैं तो थोड़ा चक्कर जैसा आता है, तो आपका एक काम कर सकते हैं कि आप साइड से रोल कर सकते हैं। अब जब साइड से रोल करते हैं जब शोल्डर अंदर डाल के रोल करते हैं तो थोड़ा चक्कर कम आता है। अब जो दूसरा ड्रिल है ये है साइड रोल। तो साइड रोल इज डिफरेंट। यहाँ पे आपको काउ पोजीशन में साइड रोल करना है। काउ के पोजीशन में आपको आना है और यू टू कीप रोलिंग, कीप गेटिंग अप। सो द थर्ड प्रोग्रेशन इज वेयर वी मूव फ्रॉम काउ पोजीशन टू अ प्लैंक पोजीशन। इन द प्लैंक पोजीशन यू हैव टू कम इन अ प्लैंक और वहां से आपको रोल करना है। जैसे कि काउ पोजीशन में हम लोग थे, बिल्कुल उसी तरह का ये भी पोजीशन है, बट देन इसमें आपको नी को ग्राउंड में टच नहीं करना है। यू हैव टू बी इन अ प्लैंक एंड देन यू हैव टू टक इन योर हैंड एंड रोल। नाउ मैं यहाँ पे एक मैट बिछा के रखा हूँ, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी। अगर आपके अकेडमी में ग्रास है या फिर कुछ ऐसा गद्दा जैसा है जहाँ पे आपको रोल करने को अलाउड हो, तो आप बिछा के कर सकते हैं। नाउ दिस नेक्स्ट वन इज स्टैंडिंग एंड टक इन योर हैंड। अब क्या करना है, आपको थोड़ा एडवांस हो जाइए, अब आपको खड़े होकर रोल करना है। तो नाउ यू हैव टू स्टैंड, टक इन योर हैंड एंड देन रोल। तो इस पोजीशन में आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे खड़े हो गए हैं और आप जहाँ पे आपको रोल करना है, ट्राई एंड टक इन योर हैंड एंड देन ट्राई एंड रोल एंड गेट अप। यू हैव टू कीप रिपीटिंग जब तक आप परफेक्शन नहीं ले आए, जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाए इस चीज़ में। नाउ आफ्टर यू हैव डन ऑल दीज बेसिक ड्रिल्स, नाउ यू कैन मूव ऑन टू द एक्चुअल ड्रिल वेयर यू हैव टू कलेक्ट द बॉल। जब जहाँ पे आपको बॉल को कलेक्ट करना है, ये वाला जो इस स्टेज पे आने के लिए आपको पहले ये सारा चीज़ करना ज़रूरी है, जहाँ पे फ्रंट रोल करना ज़रूरी है, काउ के पोजीशन में रोल करना ज़रूरी है, और भी जो मैंने ड्रिल्स बताए हैं ये सारे करने ज़रूरी हैं, उसके बाद ही आप ये वाला ड्रिल कर सकते हैं।
do not try and attempt this without doing all these drills that I have explained you earlier. आप ये सारा कुछ कर ले उसके बाद यू नो ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस विथ अ बॉल. तो अब आप अपने सर्वर को बोल सकते हैं बॉल सर्व करने को एंड देन यू कैन जस्ट स्टैंड कलेक्ट द बॉल एंड रोल. सो नाउ व्हेन यू आर डूइंग द ड्रिल यू हैव टू मेक श्योर कि आपको अननेसेसरीली भी रोल करना है. मतलब जब आप मैच में या फिर यू नो फील्डिंग कर रहे हो तब आपको अननेसेसरी रोल नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो रोल करने का तो यू नो कलेक्ट द बॉल एंड रोल. मतलब आपको इतना कुछ सोचना नहीं है कि मेरे को रोल करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव नॉट डेवलप्ड दैट हैबिट ऑफ रोलिंग येट. तो आपको इस चीज़ को मास्टर करने के लिए, आपको इसको परफेक्ट करने के लिए यू हैव टू कीप रोलिंग. जितना ज़्यादा आप रोल करेंगे, जितना ज़्यादा आप ज़मीन के कॉन्टैक्ट में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप रोल कर पाएंगे उतना परफेक्शन आ पाएगा आप रोल करके फील्ड करने में. जब भी आप मैचेस में फील्ड कर रहे हो तब आपको अननेसेसरीली रोल नहीं करना है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो रोल करके फील्डिंग करने का तब आपको करना है. सो डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी. आप ऐसा नहीं कि आप मैच में ऐसे अननेसेसरीली रोल कर रहे हैं जहाँ पे रोल करने का ज़रूरत भी नहीं था, आप रोल करके और डिले कर दिए चीज़ों को, तो वहाँ पे नहीं करेंगे आप. तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी आप एल्बो पे लैंड नहीं करेंगे और यू नो डायरेक्टली शोल्डर पे लैंड नहीं करेंगे. अगर आप डायरेक्टली शोल्डर पे या डायरेक्टली एल्बो पे लैंड करेंगे तो आपको इंजरी हो सकता है और आप अपने आप को इंजर कर सकते हैं. एल्बो पे अगर आपको एल्बो पे लैंड करना है तो ट्राई एंड लैंड ऑन योर आर्म्स. आपके इस पोर्शन पे आप लैंड करेंगे. डू नॉट ट्राई एंड लैंड डायरेक्टली ऑन दिस, क्योंकि आप इस पे डायरेक्टली लैंड करेंगे तो एक शॉक सा मिलेगा आपको, बड़ा सीरियस इंजरी हो सकता है. तो इसीलिए जब भी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको यू नो नेचुरली पता चल जाएगा कि कहाँ पे लैंड नहीं करूँ. तो इसीलिए मैंने आपको बोला था शुरू में कि आपको पहले फ्रंट रोल करना ज़रूरी है. फ्रंट रोल ज़रूर कीजिए. फ्रंट रोल कीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि कहाँ पे मैं लैंड करता हूँ तो मेरे को चोट नहीं लगता है. सो एक ट्रिक है जो आप रोल करते समय यूज़ कर सकते हैं कि यू नो ट्राई एंड बेंड योर आर्म इन द डायरेक्शन ऑफ द रोल. मतलब अगर आपको इस डायरेक्शन में राइट हैंड डायरेक्शन में आपको रोल करना है तो ट्राई एंड बेंड द आर्म इन द डायरेक्शन ऑफ द रोल और तभी आप रोल कर पाएंगे उस साइड. बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है लेकिन अक्सर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. नाउ रोल करने का यू नो एडवांटेज क्या है, क्यों रोल करें भाई? मतलब डाइव भी कर सकते हैं, रोल क्यों करें? तो देखिए रोल करना एक आपको हेल्प करता है मोमेंटम को यूज़ करने में फील्डिंग करने के लिए. अगर आप डाइव करेंगे तो मोमेंटम जो है ना वो सारा मोमेंटम खो जाता है. आप अगर रोल करते हैं तो आप वो मोमेंटम को यूज़ करके बॉल उठा लेते हैं पटाक से. और दूसरा फ़ायदा ये है रोल करने का कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ नेपाल, जहाँ की मेरी ऑडियंस है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ की का जो यू नो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना डेवलप्ड नहीं है. मतलब नॉर्मल क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके स्टेज में उतना डेवलप्ड नहीं है. आपको यू नो अच्छा घास, अच्छा ग्राउंड तभी मिलता है जब आप अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेलने लगते हैं. एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए, जब भी आप यू नो फील्डिंग या फिर डाइव कैचेस को प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं, अपना बॉडी को वार्म अप अच्छे से कर ले रहे हैं. अगर आप वार्म अप अच्छे से नहीं करते हैं तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट यू नो रिकवर्ड फ्रॉम द इंजरी दैट यू फॉल इनटू. सो मेक श्योर कि आप वार्म अप कर रहे हो. अगर आपने वार्म अप का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने वार्म अप पे वीडियो बनाया है, आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं. मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा. तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों का शेयर ज़रूर करें. इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया है आपको, इट विल श्योरली हेल्प यू. आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा. आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि डाइव फील्डिंग, डाइव कैचेस पे वीडियोस बनाइए. तो जस्ट वॉचिंग द वीडियो विल नॉट हेल्प यू. गो आउट देयर, यू नो प्रैक्टिस. आप यूज़ कीजिए ये सारे ड्रिल्स को. यू कैन यू नो अपलोड योर वीडियोज़ ऑन इंस्टाग्राम, टैग मी इन इट. आप अपने इंस्टाग्राम पे जाइए, अपलोड रिकॉर्ड कीजिए खुद को, इंस्टाग्राम पे अपलोड कीजिए, मुझे टैग कीजिए. आई वुड वॉन्ट टू सी कि आपके यू नो फील्डिंग में क्या डिफरेंस आया है. आई वुड लव टू सी योर ड्रिल्स, आई वुड लव टू सी योर परफॉर्मेंसेज इन द फील्ड.